जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 पर चर्चा करेंगे। देवान् भाव्यतानेन्ते देवा भावन्तु परस्परं भावन्ते श्रेय परमोऽभ्यस्ते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्मों के द्वारा देवताओं को आप पोषण करना चाहिए और बदले में देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। जब तुम एक दूसरे का सहारा बनोगे और एक दूसरे को सहयोग दोगे तो तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यहाँ देवता का मतलब है प्रकृति अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों से प्रकृति और समाज की सेवा करनी चाहिए। जब हम अपना जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते और प्रकृति तथा समाज का ध्यान रखते हैं तो बदले में प्रकृति और समाज भी हमारा ध्यान रखते हैं, हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इष्टान भोगान ही ओ देवा दाश्यन्ते यज्ञ भाविता तैयर ददान प्रदा भयो योग उगंते स्तेन एव। श्री कृष्ण कहते हैं देवता यज्ञ के द्वारा प्रेरित होकर तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए इन भोगों को बिना यज्ञ या दूसरों को अर्पण किए बिना ही भोगता है वह चोर के समान है। अर्थात संसार में जो भी भोग विलास और सुख हमें प्राप्त होते हैं वे सब किसी न किसी रूप में ईश्वर या प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं और अपने संसाधनों का एक हिस्सा समाज और दूसरों के कल्याण के लिए अर्पित करते हैं तभी वे सारे भोग विलास हमारे लिए फलदायी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल स्वार्थी होकर इन भोगों का उपभोग करता है बिना किसी परोपकार की भावना के उसे श्री कृष्ण एक प्रकार से चोर मानते हैं। इस श्लोक से यह सीख मिलती है कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे हमें अपने कर्मों के द्वारा अर्पित करना चाहिए। यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वे किल वसे भुजते ते तौ गम पापाए पचंदया तम कारणात्। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग यज्ञ के बाद अर्थात अर्पण या त्याग के बाद शेष बचे अन्न को ग्रहण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ के लिए भोजन पकाते और खाते वे वास्तव में पाप को ग्रहण करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह इशारा करता है कि हमें अपने कार्यों का फल पहले ईश्वर या समाज और दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए। जब कर्मों के फल को अर्पण करते हैं और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हैं तो हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। परंतु जो लोग केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं और अपने लाभ के लिए जीते हैं वे पाप के बंधनों में बंध जाते हैं। इस श्लोक की सीख यह है कि हमें जीवन में निस्वार्थ और परोपकार की भावना से कर्म करना चाहिए, वही सच्चा धर्म है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या धनं संभवा यगाद भवती पर्जन्यो यग कर्म समुद्भवा। अर्थात सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा के कारण उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ अर्थात त्याग और कर्म के माध्यम से होती है। यज्ञ का आधार कर्म से होता है अर्थात प्रकृति और मानव के बीच एक गहरा संबंध है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है तो यह कार्य यज्ञ का रूप ले लेता है या यज्ञ का अर्थ है त्याग। यज्ञ से प्रकृति में संतुलन रहता है जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है जो जीवन का आधार है। इस श्लोक की सीख यह है कि सही कर्म करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन में सुख और शांति का मार्ग है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मानितम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात सभी कर्म वेदों से उत्पन्न होते, वेद जीवन के सभी कर्मों और सही तरीकों को बताते। वेद स्वयं अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। अक्षर ब्रह्मा का अर्थ है वह अनश्वर तत्व जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, ब्रह्म यज्ञ में नित्य रूप में स्थापित रहता है। अर्थात जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से और समाज के लाभ के लिए करते हैं तब हम ब्रह्म को सम्मानित करते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।